लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एवरीवन, माय नेम इज रिमी, वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डॉटर का एथनिक वेयर कलेक्शन। सारे फेस्टिवल सारे आ रहे हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि अपने बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से खरीदे, तो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत सारे एथनिक वेयर कियारा के, तो वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगी और कौन सी चीजें मैंने कहाँ से लिया है वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपनी डॉटर की फर्स्ट एथनिक ड्रेस दिखाने वाली हूँ जो कि उसने अपनी फर्स्ट जन्माष्टमी में पहना था। ये है वो लहंगा चोली जो कि बहुत क्यूट सा ब्लू एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का है ये, और इसमें पूरा मिरर वर्क हुआ है और इस तरीके से बैक पे ऐसे बांधने का दिया गया है। तो ये बहुत क्यूट सा बहुत सुंदर सा लग रहा था। मेरी डॉटर उस टाइम पे 7 to 8 months की थी, बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। और इसके साथ इसका ये दुपट्टा भी है तो इस तरीके से ये लगता है। और तो ये मैंने अपने होम टाउन के लोकल मार्केट से इसे परचेज किया था। ये मुझे 150 रुपीस की पड़ी थी, बहुत सही प्राइस की मुझे मिल गई थी। बहुत पतला सा इसका कॉटन का मटेरियल है तो इसे मैंने 3-4 बार वॉश किया है तो इसका कलर भी थोड़ा बहुत गया है, मगर 150 रुपीस का था तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी कि कलर भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। डॉटर की सेकेंड ड्रेस में आती हूँ, वो है ये वाला लहंगा चोली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने गुजरात से इसे मैंने परचेज किया था। मैं पिछले साल मैं गुजरात गई थी तो वहां से मैंने इसे लिया था, तो ये मुझे 350 रुपीस की मुझे ये पड़ी थी और इसके साथ ये दुपट्टा भी है। तो ये ऐसे येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का ये लहंगा चोली है और यहाँ पे पूरा ये थ्रेड वर्क हुआ है मल्टी कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो ये येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का है और यहाँ पे सारा मिरर वर्क हुआ है। तो इस टाइप के ड्रेसेस आप अमेजोन वगैरह से भी परचेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैंने देखा है। तो अगर आपको परचेज करना है तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। की थर्ड ड्रेस दिखाती हूँ, ये है क्रीम कलर का लहंगा जो कि कियारा की बुआ ने कियारा को गिफ्ट किया था, और ये पूरा यहाँ पे ब्लाउज में पूरा नग और बोटी का पूरा वर्क किया हुआ है और ये पीछे ऐसे इलास्टिक दिया गया है, एडजस्टेबल, आप बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। और ये पूरा बैकलेस है और बहुत प्यारा सा ये ड्रेस है, बहुत स्टाइलिश सा लगता है इसे जब कियारा पहनती है। और इसकी जो स्कर्ट है वो पूरा इसमें नेट वर्क दिया गया है और यहाँ पे पूरा वर्क किया गया है। तो ये गिफ्टेड था तो इसका प्राइस मुझे नहीं पता है। इस टाइप के भी ड्रेसेस अगर आप लेते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी क्रीम कलर व्हाइट कलर बच्चों के ऊपर बहुत प्यारा दिखता है। तो अब मैं अपनी डॉटर के नेक्स्ट ड्रेस पे आती हूँ। तो नेक्स्ट ड्रेस ये रेड कलर की जयपुरी प्रिंट की लहंगा चोली है, तो इसे भी मैंने गुजरात से इसे परचेज किया था। ये मुझे 250 रुपीस की पड़ी थी और ये भी कॉटन मटेरियल का है, जयपुरी प्रिंट है, ये इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे ये बांधने का दिया गया है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा पतला है तो आप ऐसे ऐसे करके फिट कर सकते हैं। तो इसकी जो स्कर्ट है यहाँ पे ये पूरे मटके प्रिंट बने हुए हैं और ये पूरे लेस दी गई हुई है, तो ये बहुत प्यारी सी स्कर्ट दिखती है और कॉटन मटेरियल का है, तो कॉटन मटेरियल का तो बच्चे को वैसे भी कंफर्टेबल लगता है पहनने पे और किसी भी छोटे ओकेशन में हम पहना सकते हैं। दिवाली हो गया, अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि के टाइम पे कन्या पूजन के टाइम पे आप पहना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा मुझे ये ड्रेस लगा था कियारा का, तो ये मुझे 250 रुपीज की पड़ी। तो ऐसी ड्रेस भी आपको अमेजोन वगैरह पे आपको मिल जाएगी। फिर मैं अपनी
डॉटर के नेक्स्ट ड्रेस पे आती हूँ। ये भी उसी टाइप का लहंगा चोली है और ये पूरा बांधनी वर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लेस दी गई है नेवी ब्लू कलर का है। तो नेवी ब्लू कलर तो वैसे भी बच्चों के ऊपर कितना प्यारा सा लगता है, और ये यहाँ पे पूरा बांधनी वर्क है और यहाँ पे पूरा लेस दिया गया है, और ये भी मुझे 250 रुपीज की पड़ी थी। आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। ये एक ब्लैक कलर और ग्रीन कलर की फ्रॉक है ये, तो ये भी बहुत प्यारी सी, इसमें पूरा थ्रेड वर्क हुआ है, पूरा मल्टी कलर का, ये देखिए पूरा थ्रेड वर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बांधने का दिया गया हुआ है, और ये पूरा बांधनी प्रिंट का है, और यहाँ पे लेस दी गई हुई है। तो ये बहुत प्यारी सी ड्रेस है, और इसे मैंने 200 रुपीज की मैंने लिया था। इसे भी सेम मैंने गुजरात से ही इसे परचेज किया था। तो सेम इसी का मैंने दूसरा कलर भी लिया हुआ है, वो ये है, ये येलो कलर का है पूरा बांधनी प्रिंट में, और यहाँ पे भी पूरा मल्टी कलर का ऐसे दिया गया है, और सेम उसी तरह है ये, और ये भी मुझे 200 रुपीज की पड़ी थी। नेक्स्ट ड्रेस पे आती हूँ। ये मैंने एक क्यारा के लिए कुर्ता परचेज किया था, तो इसके नीचे मैं क्यारा को लेगिंग पहना देती हूँ। तो ये पूरा थ्रेड वर्क यहाँ पे दिया गया है, और पूरा मल्टी कलर का है, ज्यादा इसमें येलो कलर ज्यादा दिखता है, और नीचे इस तरीके का दिया गया है, और मेरी डॉटर ने राखी पे इसे पहना था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो ये भी मुझे 200 के ही समथिंग मुझे पड़ा था, और ये पीछे पूरा प्लेन ब्लैक कलर का दिया गया है, और फ्रंट पे सारा इसका वर्क दिया गया है, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा दिखता है ये। फिर मैं अपनी डॉटर की लास्ट एथनिक ड्रेस पे आती हूँ। ये है वो लहंगा, और ये ब्लू कलर का पूरा लहंगा है। तो इसके ब्लाउज में पूरा सीक्वेंस का पूरा वर्क हुआ है, बहुत सुंदर सा ये दिखता है, और ये पीछे ऐसे बांधने का पूरा दिया गया है। तो इसका जो स्कर्ट है वो ब्लू और बेज कलर के कॉम्बिनेशन का है, और यहाँ पे पूरा थ्रेड वर्क हुआ है, पूरा फ्लावर बना है थ्रेड से, और यहाँ पे ये सीक्वेंस पूरा लगा हुआ है। तो ये बहुत प्यारा सा नेट का पूरा स्कर्ट है, और अंदर ऐसे ही सारा इसका साटन का मटेरियल दिया गया है। ये मैंने अपने होम टाउन के ही मार्केट से लिया था, और इसके साथ ये इसका नेट का दुपट्टा भी है। तो ये मुझे 1500 अराउंड मिला था। तो इस टाइप के लहंगे आप फर्स्ट क्राई और हॉपस्कॉच से आप ले सकते हैं, वहां पे इस टाइप के लहंगे अवेलेबल हैं। अगर मुझे दिखते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस टाइप के लहंगे, इतने रेंज के लहंगे आपको वहां पे इजिली आपको मिल जाएंगे। यही था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई आपकी रिक्वेस्ट वीडियो है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर जरूर कोशिश करूंगी उस वीडियो को बनाने की। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, और मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।